মঙ্গলবার মেলার মাঠে এক মোবাইল ব্যবসায়ী ছুরিকে আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার আহত হরিশঙ্কর সাহার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। হরিশঙ্কর সাহার বাড়ি বনমালীপুরের লাল বাহাদুর এলাকায়। অন্যদিকে ঘাতক কলেজ টেলার রাহুল রায়ের বাড়ির পাশে প্রচুর পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করা হয় বলে খবর। গত 15 অক্টোবর মঙ্গলবার লেনদেন সংক্রান্ত বৎসার জেরে মেলার মাঠের মোবাইল ব্যবসায়ী হরিশঙ্কর সাহাকে ছুরিকাঘাতে করে কলেজ টেলার রাহুল রায় নামে এক যুবক। দোকানের ভেতর মেঝেতে ফেলে ছুরি দিয়ে একের পর এক আঘাত করছিলেন ওই যুবক। প্রচুর রক্ত ছড়ে হরিশঙ্কর সাহার। ঘটনাস্থলে টিএসআর থাকলে তাদের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় লোকজন ঘাতক রাহুল রায়কে বেধড়ক মারধর করে। তখনও নীরব ভূমিকা পালন করেছে টিএসআর জওয়ানরা। এদিকে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার জানান, ঘটনাস্থলে থাকা 4 টিএসআর জওয়ানকে ক্লোজড করা হয়েছে। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेलार मार्केट में एक मोबाइल का शोरूम में दो लोगों को इंजरी हुआ था। एक आदमी ने शॉप ओनर को अटैक किया था। अभी दोनों सीरियस हैं। अभी उस केस में कुछ वीडियोस वायरल हुआ है, उसमें देखा जाए कि पुलिस का कुछ रोल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मीडिया वाले। तो इसी का सिलसिले में मैंने एक अभी SDPO को लेवल पे एक ऑर्डर इंक्वायरी ऑर्डर किया है। तो SDPO 2 दिन में इंक्वायरी करके इसमें अगर पुलिस का कोई लैप्स है ये सब रिपोर्ट दे देंगे। उसके अलावा जो वीडियो में 4 TSR दिख रहे हैं उनको 7 बटालियन का TSR से ये लोग उनको इमीडिएटली क्लोज किया गया है। उनके ऊपर बटालियन से भी एक्शन मतलब इंक्वायरी शुरू होगा। अगर उनका कोई रोल लैप्स है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू होगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी जिसके ऊपर अटैक हुआ वो कैसा है और जिस जिनने अटैक किया वो कैसा है? अभी सुनने में दोनों थोड़ा सीरियस है। जिसका जो विक्टिम है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है और जो अटैक है वो अटैक किया वो भी अभी तक अनकॉन्शियस है। जो दो TSR दिखाया गया है अटैक होने के बाद वो भी है आप उसके कोई इंक्वायरी कर रहे हैं? हाँ, ये 4 TSR अभी क्लोज हो गया है, 7 बटालियन का है और SDPO लेवल पे एक इंक्वायरी हो रहा है पूरा। सिर्फ TSR नहीं, पुलिस का भी अगर कोई लैप्स है, अगर ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा, ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुलिस बहुत स्लो रिएक्ट किया ऐसा। तो इसके बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर कुछ आया तो अगर पुलिस का कोई लैप्स है तो उसके ऊपर एक्शन। सर, अगर इस प्रकार का कोई घटना पुलिस के सामने हो तो पुलिस के क्या करने का परमिशन था, क्या कर सकता था? नहीं, ऐसे कोई भी आदमी, सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी आदमी के सामने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो अपने बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई भी एक्शन ले सकता है। सर, कल जो घटना हुआ था उसका एक्चुअली मूल क्या घटना है, कुछ आपका इन्फॉर्मेशन मिला? अभी तो ऐसा है कि इन दोनों के बीच में जो अटैक किया और जो विक्टिम है, इन दोनों के बीच में बहुत दिनों से फाइनेंशियल का कुछ इशू चल रहा था। तो जैसे कि मैं कल भी बताया, लॉकडाउन के समय इसने एक आईफोन ऑर्डर किया था और उसका पेमेंट भी दिया था 80,000 रुपीज़। तो उसके बाद जब जो ओनर था उसको फुलफिल नहीं कर पाया तो बाद में इसने पैसा वापस मांगा था। तो ये वापस देने में बहुत टाइम लगा, 4-5 महीने ऐसा हो गया। तो जो अटैकर है वो उसने राहुल रॉय जो है उसने बताया कि मुझे और पैसा चाहिए क्योंकि आपने पहले तो सामान भी नहीं दिया और जो मनी है वो भी लेट रिटर्न किया। तो ये बहुत दिनों तक इनका आर्गुमेंट चलता रहा और ओनर नहीं देना चाहता था। ओनर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हमने तो जो तुमसे लिया था वो दिया, दे दिया है, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया। तो यही एक्चुअली मेन रीज़न मोटिव इसका जो है, इसी बहुत दिनों से इसका अंदर एंगर था। तो कल सडनली इस प्रोवोकेट हो गए, इसने एक चाकू लेके अटैक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज़।